वैलेंटाइन डे के विरोध के नाम पर हिंदुवादी नेताओं की खुली गुंडाई, संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का भी हिंदुवादी नेता कर रहे उल्लंघन, आखिर किस अधिकार से शहर में पुलिस या तर्ज पर जेल भेजने की दे रहे धमकी, क्या आगरा पुलिस ने दिया है ऐसे हिंदुवादी नेताओं को मारपीट का लाइसेंस, हिंदुवादियों लड़की को हैंडओवर रखो, बात पूछ रहे हैं तो ये बताने में कुछ दिक्कत हो रही है, बड़ा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी लड़ो जेल चली जाएगी, देख जेल चली जाएगी, कौन से फोटो मार उम्र कितनी है? अरे क्या हो गया रहा है, क्या बात हो गई? आप भैया आप जाइए, तो आप भी तो खड़े हो, आप जाइए भैया, आज उठ रहे हैं इसलिए बात नहीं है, आप भी तो खड़े, मेरी आपकी लड़की अगर चाहेगी गलत काम करने लाते खड़े, आप जाइए तो मुझे क्या समझ, मैं भी तो आपसे बात ही कर रहा हूँ, आप हटिए, आपकी लड़की फोटो मार थाना हरि पर्वत अंतर्गत पालीवाल पार्क में कुछ लड़के और लड़कियां बैठी हुई थी, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता की गई, इस संबंध में थाना हरि पर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ का मुकदमा? मारपीट कर लेकर जो आपने पूरे दिन जो किया है उसको मैंने करी है, मारपीट करना नहीं करना ये हमारा काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, उनको सजा देना, हमने सिर्फ उन लड़कियों को पकड़ा जो अश्लील हरकतें कर रहे थे पार्कों के अंदर जाकर, जो अपने घरों से कहकर आए थे हम मंदिर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और पार्कों में जाके उल्टे सीधे कर्म कर रही थी, क्या प्यार उन्होंने अपने माँ बाप से किया, अपनी बहन बेटियों से कराए, क्या उन्होंने देश के शहीदों से किया है जो मर गए पुलवामा के अंदर और उनको आज तुम याद भी नहीं कर रहे हो, और उन इतने हमारे हिंदू भाई मर गए तब जाके 550 साल के बाद में हिंदुत्व को आज़ादी मिली, समझाया गया, उनके माँ बाप को फ़ोन किया गया, उनको बताया गया और दिया गया। वीडियो कैसे वायरल हुआ इस बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं, इनके वीडियो वायरल में हाँ हमने अगर किसी लड़के को समझा रहे कर रहे हैं और वो अगर वीडियो वायरल होता है तो उसकी जांच की जाए।